बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम देखने वालों को वाजिद मलिक का महब्बत प्यार भरा सलाम। COVID-19 स्टार्ट है, लेकिन मई 4 से डग फोर्ट प्रीमियर ऑफ ओंटारियो ने जैसा कि ओपन किए हैं कुछ बिजनेसेस, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगा और हम दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें इस मूजी वबा से बचाए और हम बैक टू नॉर्मल हों, क्योंकि एवरीबडी सिक एंड टायर्ड सिटिंग होम और दुआ कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करें और बैक टू नॉर्मल हों, बैक टू सोशल डिस्टेंस पे जाएं हम, यानी कि सोशल एक्टिविटी स्टार्ट हों, बहुत सी गेट टुगेदर स्टार्ट हों, ईद आ रही है, ईद हम अच्छे तरीके से मनाएं। सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर थोड़े से जो बिजनेसेस खुले हैं, जिसमें कुछ सर्विसेज डिपार्टमेंट हैं, कुछ चीज़ें खोल दी गई हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में सब कुछ खोल दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट, जहां तक आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट की एक्टिविटी बहुत कम हो गई, क्योंकि COVID-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, ना तो कोई सेल करने में इंटरेस्टेड है और ना बाय करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन हमारे ऑफिसेज वर्चुअल सर्विसेज आपको दे रहा है, ऑनलाइन एक्सेस है हमारे पास, वर्चुअली मीटिंग है, जूम के जरिए हम मीटिंग्स भी कर रहे हैं और ओपन हाउसेस भी कर रहे हैं, ऑनलाइन ओपन हाउसेस भी कर रहे हैं, शोइंग भी ऑनलाइन दिखा रहे हैं आपको। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। लेकिन आज सबसे पहले मैं रियल एस्टेट मार्केट, जो कि आज ही ये रिपोर्ट आई है, और जैसा कि आप जानते हैं, अगर अप्रैल की एक्टिविटी देखें, जहाँ फुल ऑफ डेंजरस एक्टिविटी चल रही थी, उसमें भी जो टोटल सेल्स एक्टिविटीज़ हुई हैं टोरंटो के एरिए में, वो 2975 सेल्स एक्टिविटीज़ हुई हैं, आलमोस्ट 3000। लेकिन कंपेयर किया जाए अगर लास्ट ईयर अप्रैल से कंपेयर किया जाए, तो लास्ट ईयर अप्रैल में हमारे पास 2019 में 9005 सेल एक्टिविटीज़ थी, जबकि इस साल 2975 सेल्स एक्टिविटीज़ हैं। और इस लिहाज से देखा जाए तो -67% सेल्स एक्टिविटीज ड्रॉप डाउन हुई है ड्यू टू दी ऑल दिस लॉकडाउन एंड ऑल दोज एक्टिविटीज। जैसा कि आपने सर देखा, सब कुछ जैम हो गया, लेकिन स्टिल ऑनलाइन एक्टिविटी जो हुई वो ऑलमोस्ट 33% हुई, 2975 सेल्स एक्टिविटी हुई। लेकिन जहां तक प्राइस की बात करें तो हमारे पास एवरेज प्राइस अप्रैल 2019 में थी $820,000, जबकि इस साल $821,000 रही। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा सेल्स एक्टिविटीज़ में, प्राइसेस में, प्राइसेस कम नहीं हुई। लेकिन बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस ड्रॉप डाउन हो जाएंगी, लेकिन प्राइसेस ड्रॉप डाउन नहीं हुई इतनी, और ना ही होने के कुछ चांसेस हैं, क्योंकि डिमांड इज स्टिल देयर। लेकिन पीपल होल्ड एवरीथिंग, स्पेशली इन्वेस्टर पीपल, लेकिन जो एंड यूजर हैं, दे आर स्टिल लुकिंग अ हाउस टू बाय। लॉट ऑफ पीपल कॉल अस टू, लेकिन डिसीजन लेने में अभी देर हो रही है, क्योंकि पीपल आर कन्फ्यूज कि पता नहीं मार्केट अप जाती है, डाउन जाती है, क्या सूरत हाल होती है, कब तक ये रहेंगे। लेकिन GDP अगर देखा जाए तो हमारे पास 0.4% है, ट्रेंड एम्प्लॉयमेंट 1.8% है, अनएम्प्लॉयमेंट 6% है, और इन्फ्लेशन 0.9% है। बैंक ऑफ कैनेडा का ओवरनाइट रेट 0.25% है और प्राइम रेट 2.45, जो कि मॉर्गेजेस अभी भी 2.30 पे आपको मिल रही हैं। मार्केट अच्छी है, इसमें प्राइसेस आपको लास्ट ईयर वाली अभी तक ऑफर हो रही हैं, और मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन माय पर्सनल व्यू कि प्राइसेस नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, क्योंकि कैनेडा की डिमांड, स्पेशली GTA की डिमांड, टोरंटो एरिया की डिमांड बहुत हैवी है, और प्री कंस्ट्रक्शन में बिल्डरों ने दोबारा लॉन्च करना शुरू कर दिया। तो इस सिलसिले में हम सून वी एक्टिव अगेन, और आने वाले दिनों में हम अपना नया प्रोजेक्ट जो बैरी का होल्ड किया है वो भी लॉन्च करने वाले हैं। स्टे ट्यून, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कॉल मी डायरेक्टली 416-827-3333, और मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.wajidmalik.com। स्टे होम एंड बी कनेक्टेड।